चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर सिक्स। लेक्चर सिक्स में हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेस, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रिंज विड्थ लेंगे इसका, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। कोहेरेंट सोर्सेस क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए असेंशियल कंडीशन है सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। तो पहले हम कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे इंटरफेरेंस का, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट एंड फ्रिंज विड्थ। सो कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? टू सोर्सेज आर कोहेरेंट इफ द वेव दे एमिट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज रिलेशन, और इफेक्टिवली दिस मींस दैट द वेव्स डू नॉट शिफ्ट रिलेटिवली टू वन एज टाइम पासेस। हम टू सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज तब बोलते हैं जब उनसे जो लाइट एमिट होती है वो सेम एम्पलीट्यूड की होती है, और जो उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है वो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होता है। Two sources are said to be coherent if they emit continuously light waves of the same frequency or a wavelength nearly of the same amplitude and having sharply defined phase difference that remain constant with time. और तब हम उसको coherent source बोलेंगे। But actual practice में practically जो है it is not possible. Two individual or independent sources which are coherent. दो अलग अलग सोर्सेज प्रैक्टिकली एक्चुअल प्रैक्टिस में कोहेरेंट नहीं होते हैं। तो हम कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाएंगे? हम एक्सपेरिमेंट जितने परफॉर्म करते हैं उसमें हमें क्या चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है, हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, बट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज टू वर्चुअल सोर्सेज फॉर्म फ्रॉम सिंगल सोर्स विच एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स। हम क्या करेंगे, सिंगल सोर्स लेंगे और उससे हम जो है कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे। अभी हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे और देख लेते हैं कौन कौन से सोर्स कोहेरेंट सोर्स होते हैं। अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो सिर्फ लेजर सोर्स आर सोर्सेज विच आर कोहेरेंट सोर्सेज, वाइल लाइट बल्ब, फ्लोरोसेंट लैम्प्स आर इनकोहेरेंट सोर्सेज। आपको यहाँ पे एक मैथड्स दिखा रही हूँ कि कौन कौन से मैथड से हम कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इफ टू सोर्सेज आर ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय अदर सम अदर डिवाइसेस बाय द मींस ऑफ अदर डिवाइसेस, देन एनी फेज चेंज इन वन इज साइमल्टेनियसली दूसरे में चेंज होगा, उस तरीके का कांस्टेंट रखेगा फेज डिफरेंस, और हमारे को जो एक्सपेरिमेंट या जो हमें रिजल्ट मिलेगा सोर्स का वो कोहेरेंट सोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे एक बना के देखते हैं, चलिए ये एक्सपेरिमेंट आपने किया भी होगा। क्या करते हैं, एक सिंगल सोर्स ले लेते हैं, उसके आगे हम टू स्लिट्स रखते हैं और फिर स्क्रीन पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो लाइट आती है टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है? और याद हो तो वेव फ्रंट्स की टर्म्स में दिखाते हैं, ये वेव फ्रंट्स मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है? तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। यहाँ से जो हमें लाइट मिलेगी वो कोहेरेंट होगी, स्लिट S1, और S2 से जो लाइट बाहर आ रही है ये कोहेरेंट होगी क्योंकि सेम सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा लॉयड मिरर मेथड है कि हम एक सोर्स ले लेते हैं, उससे लाइट पास होती है, ठीक है? तो मिरर के अंदर जो इमेज है इन दोनों को हम एज ए कोहेरेंट सोर्सेस ट्रीट करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, लॉयड मिरर मेथड हो गया, फ्रेजनल डबल मिरर मेथड हो गया, फ्रेजनल बाय प्रिज्म, ऐसे प्रिज्म होते हैं, यहाँ पे इस तरीके का एक बाय प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म के आगे भी हम क्या करते हैं, यहाँ इधर कहीं सोर्स रख लेते हैं, तो यहाँ से जो लाइट मिलेगी हमें वो भी क्या होगी, कोहेरेंट लाइट होगी। इसको फ्रेजनल बाय प्रिज्म बोलते हैं। फ्रेजनल बाय प्रिज्म के अलावा माइकलसन इंटरफेरोमीटर, उससे भी हमें जो लाइट मिलेगी कोहेरेंट लाइट होगी। तो हम कोहेरेंट सोर्सेस टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्स नहीं कहते हैं, हम इसको बाय द मीन्स ऑफ सेम सोर्स से प्रोड्यूस करते हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लॉयड मिरर मेथड, फ्रेजनल डबल मिरर मेथड और फ्रेजनल बाय प्रिज्म मेथड,
माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है हमारे एग्जाम्पल है जिससे हम कोरेंट लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, टू सोर्सेज आपको दिखा रहे हैं, ये टू सोर्सेज जो है एक कोरेंट सोर्स है, एक हमारा कोरेंट सोर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ लेजर लाइट दिखा रहे हैं हम, लेजर लाइट शो आपने देखा भी होगा, तो लेजर शो दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने सोडियम लैम्प से जो लाइट आ रही है उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। हम सोडियम लैम्प से जो लाइट आती है वो मोनोक्रोमेटिक तो होती है, और हम स्लिट से पास करके इसको कोहरेंट की तरह ट्रीट भी कर लेते हैं। उसके अलावा ये लेजर लाइट है हमारी कोहरेंट लाइट है। तो इंटरफ्रेंस क्या है वो जानते हैं, व्हाट इज इंटरफ्रेंस। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस ट्रांसफर इन अ सेम डायरेक्शन इन अ रीजन ऑफ सुपरपोजिशन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम अल्टरनेटिवली द फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस। जब कोई भी टू वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की सेम कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस की सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगी, तो कुछ पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, कुछ पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, इस फिनोमिना को हम इंटरफ्रेंस कहते हैं। और व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवल अप्रॉक्सिमेटली इन सेम डायरेक्शन और हैव अ फेज डिफरेंस दैट रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द स्पेस द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। एट सम पॉइंट द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड द इंटरफ्रेंस ऑफ दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस एंड एट द सम अदर पॉइंट्स द इंटेंसिटी ऑफ इज मिनिमम द इंटरफ्रेंस एट दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, जहाँ पे टू वेव्स दोनों सेम फेज में होंगी वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, और जहाँ पे दोनों अपोजिट फेज में होंगी वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। ये हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने दिखा रखा है कि किस तरीके से हमारी वेव्स S1 और S2 से निकलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स है, ये हमारा S1 और S2 है, टू स्लिट्स हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। स्लिट्स की जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये हम स्मॉल ई से या ए से डिनोट करते हैं। ये हमारी स्क्रीन है जिसपे हम इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से दिखा रखा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वेव फ्रंट्स को ऐसे आगे बढ़ाते हैं और फिर वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ऐसे ही स्लिट से टू स्लिट्स S1 और S2 से आगे पास करते हैं, और फिर वेव फ्रंट्स की फॉर्म में हम दिखाते हैं जहाँ पे क्रिस्ट क्रिस्ट पे फॉल हो रहा है या ट्रफ ट्रफ पे फॉल हो रहा है वहाँ हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, जहाँ पर क्रिस्ट ट्रफ पे फॉल हो रहा है वहाँ पे हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, ठीक है। डॉटेड फॉर्म में हम ट्रफ दिखाते हैं। चलिए इसको आगे करते हैं। क्या है, इस तरीके का हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं सबकी सेम इंटेंसिटी होती है इंटरफ्रेंस के अंदर, और जो हमारे डार्क बैंड्स हैं उनकी भी या डार्क फ्रिंजेस हैं इनकी भी इंटेंसिटी सेम होती है। टाइप ऑफ इंटरफ्रेंस, अब इंटरफ्रेंस कितने तरीके के होते हैं, इंटरफ्रेंस टू टाइप के होते हैं। अभी आपको कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नहीं, इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न बनता है, हम डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को बोल रहे हैं। नॉर्मली इंटरफ्रेंस टू टाइप से होता है, डिवीजन बाय वेव फ्रंट और डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन बाय वेव फ्रंट मतलब वेव फ्रंट जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, जैसे हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है कि जो हमारे सोर्स से लाइट आ रही है हमने उसको सिंगल स्लिट से पास करा दिया, ये वेव फ्रंट्स फिर टू पार्ट्स में डिवाइड हुए और वेव फ्रंट्स का डिवीजन हो रहा है, फिर हमने इंटरफ्रेंस पैटर्न स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर लिया। डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड में क्या होता है, जो हमारे सोर्स से लाइट आ रही है वो डिवाइड हो रही है, एक अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, एक हमारी लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आई, तो इन टू वेव्स के बीच में हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल देखते हैं, तो जो हमारा इंटरफ्रेंस पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है, जो इंटरफ्रेंस पैटर्न हम डिवीजन बाय वेव फ्रंट की बात करते हैं इसको हम हमेशा स्क्रीन पर ऑब्जर्व करते हैं, जबकि जो डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड है ये हम जिस फिल्म के अंदर ये हो रहा है एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो रहा है जिसकी वजह से, जैसे हमने यहाँ पे लाइट आई ऊपर सरफेस पे कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ लोअर सरफेस पे चला गया, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आया, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का डिवीजन हुआ, यहाँ पे जो लाइट फॉल हुई ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुई, एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड डिवाइड हो रहा है।
इसको डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसकी, जो हमारा डिवीजन बाय वेव फ्रंट है उसका एग्जाम्पल है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेजनल बाय प्रिज्म। डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड के एग्जाम्पल है कलर इन सोप बबल्स, ऑयल फिल्म, न्यूटन्स रिंग, माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट। ये हमारे एग्जाम्पल हैं डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये हमें डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड हमें अभी पढ़ना है, और डिवीजन बाय वेवफ्रंट हम पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो रिवीजन कर रहे हैं, तो हम जो पढ़कर आ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम जितना भी इंटरफेरेंस का डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे डिवीजन बाय वेवफ्रंट, यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या बाय फ्रेज़नल बाय प्रिज्म से जो रिजल्ट आए। तो बल्कि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली, तो इसके रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस, वेज शेप्ड फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस हम अभी आगे स्टडी करेंगे, वो अभी हमने नहीं किया है। तो अभी रिवीजन क्लास है, तो सिर्फ रिवीजन चलेगा, जो आप पढ़कर आ चुके हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये, उसकी फिगर है, एनिमेटेड फिगर है। इसको समझिए क्या है, ये सोर्स है, सोर्स से जो यहाँ से वेव फ्रंट्स चले यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हुए, ये वेव फ्रंट्स आगे चले, ये हमारी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो यहाँ पे दिखा रखा है ये वेव फ्रंट्स आगे चले, ये टू स्लिट से टू पार्ट्स में डिवाइड हुए, ये स्क्रीन पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो गया, कहीं पे डार्क मिला, ब्राइट मिला, कहीं पे हमें डार्क बैंड्स मिले, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एनिमेशन से यहाँ पे इस फिगर में शो कर रखा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स। लेट अस कंसीडर अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस एमिटिंग वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। लेट एस वन एंड एस टू आर टू सिमिलर स्लिट्स, पैरेलल स्लिट्स विच आर वेरी क्लोज टुगेदर एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एस। तो हम यहाँ पे एक बना के देख लेते हैं, पॉइंटर ऑप्शन पे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, एक सोर्स है एस, इसके सामने टू स्लिट्स रखी हैं जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इस तरीके से ये रखा है S1 एंड S2, और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ से वेव फ्रंट्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से भी वेव फ्रंट्स आगे चल रहे हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन है S, स्क्रीन ही लिख लेते हैं इसको। इसकी किसी P पॉइंट पे हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। A1 एंड A2 आर द एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P। S1 स्लिट से जो यहाँ रेज निकल रही हैं उन वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, वहाँ से जो एम्पलीट्यूड है वो A1 है, यहाँ से जो एम्पलीट्यूड निकलेगा वेव का वो A2 है। P पॉइंट पे रीजॉइन कर रही है ये, जो क्रिस्ट ओवर क्रिस्ट फॉल करेगा P पॉइंट पे हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। जो पाथ ट्रैवल हो रहा है S1 से निकल रही है तो S1 P पाथ ट्रैवल हो रहा है, जो S2 से निकल रही है वो S2 पाथ ट्रैवल हो रहा है, और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमारा डेल है। हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सुपर पोजिशन की बात कर रहे हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करके निकाल रहे हैं, तो जो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे या इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है डेल इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। एस टू पी माइनस एस वन पी का मतलब क्या है कि जो रे एस से वन से निकल रही है और जो रे एस टू से निकल रही है, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है हम क्या करते हैं एस वन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको हम डेल्टा एक्स डेल्टा पी से भी डिनोट कर सकते हैं, एस टू पी माइनस एस वन पी। ये क्या है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस और ये हमारा डेल क्या है, ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। तो अभी जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इसको हम पाथ डिफरेंस के टर्म्स में भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जो हम एक्सप्रेशन जितने भी ड्राइव करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए रिजल्टेंट कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो y1 एंड y2 आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स,
तो वाई वन हमारा क्या है, वाई वन है ए वन साइन ओमेगा टी, वाई टू क्या है हमारा ए टू साइन ओमेगा टी प्लस टेन। ए वन एंड ए टू क्या है, एम्पलीट्यूड है जो स्लिट टेस्ट वन से वेव निकल रही है और जो स्लिट टेस्ट टू से वेव निकल रही है, और डेल दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। दोनों एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारा सोर्स से स्लिट किस तरीके से रखा हुआ है ना, कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है दोनों स्लिट। बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स, हेंस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, इनको सम अप कर देते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू रख दी a1 sin omega t, y2 की वैल्यू रख दी a2 sin omega t। sin omega t plus del को हम ओपन कर देंगे a plus b के फॉर्मूले से, sin a plus b क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सेम वही फॉर्मूला है। तो वाई इक्वल टू ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन डेल। यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम। तो क्या होगा, हमने हम साइन ओमेगा टी कॉमन लिया था तो अंदर ए वन प्लस ए टू कॉस डेल बचा प्लस कॉस ओमेगा टी ए टू साइन डेल। हमने इस पूरे को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लिया, हमने कंसीडर कर लिया ये हमारा आर कॉस थीटा के बराबर है, ए वन प्लस ए टू कॉस डेल इक्वल टू आर कॉस थीटा। जहाँ कॉस आता है उसको कॉस थीटा मानते हैं, जहाँ साइन आता है उसे साइन थीटा मानते हैं। तो ए टू साइन डेल इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हमारे पास नए दो कॉन्स्टेंट आ गए, एक आर और एक थीटा। इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि ए वन ए टू कॉस डेल तो हमें y1 और y2 के केस में पता था, बट इन टर्म्स ऑफ सोर्स s1 और s2, बट ये नए कांस्टेंट आ गए r और थीटा। इनको फाइंड करने के लिए अगर इन इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इन टर्म्स ऑफ डेल a1 a2 आएगा। और r फाइंड करने के लिए, r हमारा क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, r फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। इक्वेशन वन और टू में हम टू की वैल्यूज हमने इसमें पुट की, तो इसकी जगह हमने आर कॉस थीटा रखा, इसकी जगह हमने आर साइन थीटा रखा। तो हमारा वाई हो गया साइन ओमेगा टी आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी आर साइन थीटा। अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, आर इधर कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा न्यू फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, या रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है ओरिजिनल से। तो y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो थीटा और r की वैल्यू में फाइंड करनी है, थीटा के लिए इनको डिवाइड कर दीजिए, टैन थीटा आ जाएगा। r एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हम इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर करिए, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करिए और हमारा r आ जाएगा। तो क्या टर्म आई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए वन प्लस ए टू कॉस डेल होल स्क्वायर प्लस ए टू साइन डेल होल स्क्वायर। अगर हम ये टर्म ध्यान से देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर डेल प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, ये वाली टर्म। और इस टर्म में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर डेल कॉमन ले लेंगे तो ए टू बचेगा, और इन दोनों टर्म में हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा तो आर मतलब वन हो जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल, हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया एट पॉइंट पी। एम्पलीट्यूड आ गया तो हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सिंपलिसिटी के लिए हम मान ले लेते हैं तो आई इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटेंसिटी हमारी सिंपल हो गई, जो एम्पलीट्यूड है हमारा आर स्क्वायर उसके बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल। तो जो इंटेंसिटी है वो हमारी कॉस डेल पे डिपेंड करती है, और डेल इन टर्म्स ऑफ आर डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स। और
एनर्जी जो है हमारी एवरेज नहीं है, ए वन प्लस ए टू के स्क्वायर के बराबर नहीं है। इंटेंसिटी हमारी ऐसा नहीं है आई वन प्लस आई टू, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटरफेरेंस के अंदर। और ये किस पे डिपेंड करता है? डेल पे डिपेंड करता है। तो किस तरीके से डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, तो इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी? जब कॉस डेल की वैल्यू प्लस वन होगी, ठीक है। कॉस डेल की वैल्यू कब प्लस वन होती है? जब डेल इक्वल टू टू एन पाई होता है। तो इंटेंसिटी आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू और कॉस डेल की जगह प्लस वन, तो क्या बन जाएगा ये ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। तो उस केस में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी जब कॉस डेल की वैल्यू प्लस वन होगी। इंटेंसिटी हमें मिनिमम कब मिलेगी? जब कॉस डेल की वैल्यू माइनस वन होगी। माइनस वन कब होगी? जब डेल की वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी टू एन पाई प्लस वन होगी, ठीक है। तो हम आई मिनिमम कैसे लिख लेंगे? आई मिनिमम इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, कॉस डेल की जगह माइनस वन आएगा तो माइनस टू ए वन ए टू। तो ये हमारा आई मिनिमम बनेगा, आई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर आई मिनिमम की वैल्यू। ये हमने जो कंडीशन निकाली है ये इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस निकाली है, ठीक है। ये फेज डिफरेंस की टर्म्स में है, डेल इक्वल टू टू एन पाई, डेल इक्वल टू प्लस टू टू एन प्लस वन पाई। इसको हम फेज डिफरेंस की टर्म्स में चाहते हैं। तो फेज डिफरेंस की टर्म्स में हमारा डेल से क्या रिलेशन होता है? डेल इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा इन टू पार्ट डिफरेंस डेल एक्स। तो डेल एक्स कैलकुलेट करना है तो डेल एक्स हो जाएगा लैम्डा डेल अपॉन टू पाई। और डेल कितना ले रहे हैं हम मैक्सिमम की केस में? टू एन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो एन लैम्डा। तो यहाँ हमने ये सेम वही कंडीशन लिखी है कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू। हम इसको ये भी लिख सकते हैं और टू एन लैम्डा बाई टू भी लिख सकते हैं। इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पे बहुत बच बच हो गया है ये। दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि जो डेल है हमारा वो क्या होना चाहिए? इवन टू पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो पहले मैक्सिमम के लिए देख लेते हैं कि डेल एक्स क्या होना चाहिए हमारा? डेल लैम्डा अपॉन टू पाई। और मैक्सिमम के केस में डेल की वैल्यू है टू एन पाई लैम्डा अपॉन टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो गया टू पाई लैम्डा बाय टू डेल एक्स। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू और एन लैम्डा। किसकी कंडीशन है ये? मैक्सिमम की। और मैक्सिमम को क्या बोल रहे हैं हम? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम ऐसे ही हम डिस्ट्रक्टिव या मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल एक्स हमारा क्या है? डेल लैम्डा अपॉन टू पाई, और मिनिमम के केस में डेल की वैल्यू कितनी रखनी है? टू एन प्लस वन लैम्डा अपॉन टू पाई, है ना। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये हो गया टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू। ये किसकी केस हो गया? डिस्ट्रक्टिव या मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। तो पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू गिव्स द कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू गिव्स द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। और यहाँ पर भी हम क्या है, टू एन प्लस वन भी ले सकते हैं, टू एन माइनस वन भी ले सकते हैं। डिफरेंस ये है जब प्लस वन लेते हैं तो एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, जब माइनस वन लेते हैं तो एन इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, तो पार्ट डिफरेंस हमारा आ जाएगा। पार्ट डिफरेंस
यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम ऊपर फिगर में बात करें, यहाँ पे मैंने क्या कहा, हम इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, हम उसको फिर इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पार्ट डिफरेंस में हमें पता ही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू। तो क्या करते हैं, यहाँ से स्लिट S1 और S2 से जो लाइट आ रही है उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। और पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इन दो के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो ये एक्स्ट्रा पाथ है इतना, इससे आगे का जो पाथ है दोनों सेम ट्रेवल करते हैं। तो हमारे पास एक ये ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में हम साइन लगाते हैं तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आती है डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डार्क फ्रिंजेस डी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1λ/2। ठीक है, और यहाँ पे भी एंगल्स भी देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा वैसा कर लेते हैं, ये हमारा थीटा है, यहाँ हमारा थीटा है, ये इस पे परपेंडिकुलर डाला है तो ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, पॉइंटर से बता देती हूँ, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा पूरा 90 डिग्री है, तो ये थीटा है, तो इतना एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, इसलिए ये हमारा थीटा होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमारे पास ये ट्रायंगल है S1 S2, और इस पॉइंट को अगर मैं डी बोल देती हूँ, डी तो ये हाँ डी नहीं बोलते हैं, चलो ए बोल देते हैं, ए पॉइंट S1 S2 ए एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा से हमारी वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगी। साइन थीटा इक्वल टू S2 d/S1 S2। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया यानी S2d, जो एक्स्ट्रा पाथ है, S2d इक्वल टू d sin थीटा। तो जब हमारे पास S2 माइनस S1p की या पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी तो हम फ्रिंज पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस निकाल सकते हैं कि यहाँ से फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से। ठीक है, तो वहां पे भी हम एक साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करके करते हैं। तो xn=n λd/d, क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा की, ऐसे पोजीशन ऑफ एन एट डार्क फ्रिंजेस xn(2n+1λd/2d), कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच के सेपरेशन है, स्मॉल डी टू स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है, और जो xn है वो सेंटर से फ्रिंज की पोजीशन है। और अगर हमें टू फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन कैलकुलेट करना हो तो टू कंसेक्यूटिव फ्रिंज के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो क्या करेंगे, एक xn ले लिया, एक यहाँ पे n+1, तो n की जगह n+1 रिप्लेस कर देंगे, तो xn+1 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों के बीच को सब्ट्रैक्ट करेंगे, xn+1 - xn = β, इसको बीटा से भी डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, = λd/d। तो बीटा फ्रिंज विड्थ है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, कैपिटल डी स्क्रीन के भी प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे उनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी, तो जैसे जैसे डी कम होगा वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। और ये वैल्यू एक बार देख लेते हैं ये कैसे आई है, हमने क्या किया, xn तो हमारा ये है ही, मैं डार्क ब्राइट के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, डार्क के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्स तो xn+1 = हो जाएगा यहाँ पे n+1λd, बस क्या करेंगे n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे d, तो xn+1 - x, तो ये हमारा है n+1λd/d, माइनस ये है हमारा n λd/d। तो आप देखो कि ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है, सिर्फ n λd/d बचेगा, सॉरी n वाला कट जाएगा, सिर्फ 1 वाला टर्म बचेगा λd/d। इस फ्यूज MCQs हैं,
The source of light are said to be coherent if the wave produced by them have same wavelength, amplitude, wavelength and constant phase difference, amplitude and same wavelength. So option C is the correct option. Next question is, interference occur in longitudinal waves, transfer wave, electromagnetic waves, all of the above. So all of the above is correct option. Next question is, phenomena of interference is used to prove that light is longitudinal, transverse, stationary wave, quantized. तो जो हमारा interference है वो quantized बताता है कि light हमारी quantized होती है, energy का redistribution होता है. Two waves having intensity of ratio 9:1 produce interference. The ratio of maximum and minimum intensity is equal to, यहाँ पर हमें क्या दिया है इस question के अंदर, I1, I2 दिया है. I1 मतलब A1 square upon A2 square दिया है, that is 9:1. और हमसे I maximum और I minimum पूछा है. I maximum होता है हमारा A1 plus A2 to whole square और I minimum होता है A1 minus A2 whole square. तो यहाँ से हम A1 निकाल लेंगे. A1 हमारा कैलकुलेट होके आएगा 3A2. इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा C4:1. चलिए फिर स्क्वायर करते हैं. थैंक यू.